हाय गाइस, कल की बात करेंगे निफ्टी की। इंट्राडे प्लान क्या होगा? कल 26 जुलाई है, जो कि है ट्यूसडे। और अगर किसी को ये वाली इंट्राडे वीडियो देखनी हो, आज नेट प्रॉफिट था अराउंड 14,500। अगर किसी को देखनी हो तो आप देख सकते हो, वो डल चुकी है। उसमें मैंने पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करा कि आज मैंने शॉर्ट क्यों करा था बैंक निफ्टी को। बट अभी कल का प्लान चलते हैं निफ्टी के लिए। तो जो इस बार की एक्सपायरी है उसके लिए मेरे पास पहले से एक रेंज है, और वो रेंज है बड़ी सिंपल, 16,500 से लेकर 16,800। ये 300 पॉइंट की रेंज है। इस 300 पॉइंट की रेंज के पीछे का लॉजिक सुन लो। इतना बड़ा गैप अप खुला, अगले दिन मार्केट गैप, जो जहाँ से गैप अप खुला था वहाँ पर आई, बट वहाँ से पूरी बाइंग दिखने को मिली। अगर आपने इस दिन ट्रेड किया था, आपको पता है मार्केट पूरी नीचे आई और फिर अपना हाई भी तोड़ दिया ओपन का और ऊपर चली गई। तो मार्केट को दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रांग है। इस जो ये वाला पैटर्न है ना, देखो गैप अप खुल के अप्रूव आज है ना, इसको बोलते हैं रन अवे गैप अप। हाँ, और जो गैप रन वाला होता है उसको बोलते हैं फॉलिंग। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म्स है जो यूज़ होती है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं। बट हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला जोन ऊपर खुल के मार्केट ऊपर जाती है, अब अगर रिट्रेस करेगी तो हम इस एरिया को सपोर्ट एरिया मानते हैं। वैसे ही जो इतना बड़ा एरिया है ना, ये सारा एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। ठीक है, बट अगर अब आज का दिन भी देखो, मार्केट गैप डाउन खोली, सेलिंग आई, वीकनेस दिख रही थी, बट फिर लोअर जोन लोअर एरियाज में अपने 16,500 के आसपास बाइंग आनी शुरू हो चुकी थी, 16,550 के आसपास। तो जो मेरे मेरे लिए रेंज है 3 दिन की, अब ट्यूसडे है कल, मेरे पास एक अच्छी रेंज है। तो कल मैं स्ट्रैंगल ट्रेड करूँगा 16,500 से 16,800 के अंदर अंदर। अगर मान लो बाई चांस 800 टूटता है तो फिर हमारे को बुलिश होना है। ठीक है, बट 800 जब तक नहीं टूटता तब तक कोई बुलिश होने का सेंस नहीं बनती, और बेरिश होने की कोई सेंस नहीं बनती जब तक मेरे नज़र में 600 ये वाला लेवल नहीं टूटता, 16,300 समझ लो आप। क्योंकि 16,300 के नीचे हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये सबको मैं एक साइडवेज पार्ट काउंट करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्शन डायरेक्शन देना पसंद ही नहीं करूँगा। ठीक है ना, तो थैंक यू।